जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन। ये हमारा न्यूज प्लस वन चैनल आपको दिखाता है हमारे समाज की सच्चाई। ईसाई समाज के जिम्मेदार लोगों ने और चर्च के पादरियों ने साहिबाद विधानसभा से गठबंधन के उम्मीदवार पंडित अमरपाल शर्मा को अपने समाज का समर्थन दिया और उनके जीतने के लिए एक प्रार्थना सभा की और आशा की जीतने के बाद ईसाई समाज की तरक्की के लिए काम करेंगे और सभी के लिए इंसाफ के साथ साथ देंगे। ईसाई समाज के जिम्मेदार जॉन ने बताया कि पंडित अमरपाल शर्मा ने हमेशा उनके समाज का साथ दिया है, इसलिए आज वह उनके समर्थन और स्वागत के लिए उनके कार्यालय पर आए। यह रिपोर्ट 8 तारीख शाम की थी, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस रिपोर्ट को उस वक्त नहीं डाल सके क्योंकि उस वक्त चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था, जिससे कि कोई बात वोटरों को प्रभावित ना करे। हम अपने चैनल पर कोई इस तरीके की सामग्री नहीं डाल रहे थे जिससे कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन प्रभावित होती हो। अब गाजियाबाद विधानसभा का मतदान निपट चुका है, इसलिए हम यह रिपोर्ट डाल रहे हैं। परमेश सब कुछ सफल सफल हो, पिता खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ। फादर सुभाष जॉन हूँ। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? हम इस उद्देश्य से आए कि हमें प्रे करना है अमरपाल जी के लिए, जो हमारे समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा मसीह समाज इस समय पूरा उत्तर प्रदेश एक बदलाव की इच्छा चाहता है, क्योंकि ये समाज के लोग जो हैं पिछली जो गवर्नमेंट है हमारे मसीह समाज पर चुन चुन के अटैक करने का काम किया है, हमारे चर्चों को, हमारे बहन बेटियों को चर्च में घुस करके और जबरन हमारे साथ मारपीट किया है। जबकि आप जानते हैं कि इस भारत की बढ़ोतरी में और शिक्षा में और हॉस्पिटलिटी में मसीह समाज सर्वश्रेष्ठ है। 300 वर्षों का इतिहास है और इस देश का अभी तक जितने 15 प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से 11 प्रधानमंत्री हमारे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन आज ये लोग हमारे स्कूल में पढ़ के और हमें ही आँख दिखाने का काम करते हैं और हमें शांतिपूर्वक आराधना करने से रोकते हैं। तो आप अमरपाल जी को इस समर्थन देने किस लिए आए? क्योंकि ये हमारे समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश फाइट में है बीजेपी के साथ। अगर बीजेपी को कोई हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। इसलिए हमारा पूरा मसीह समाज आज आक्रोशित है और हमारा मसीह समाज पंडित अमरपाल शर्मा जी के साथ है। मेरा एक ही मकसद उद्देश्य ये है कि हमारे जो मसीहियों के रक्षा के काम के लिए, संभालने के काम के लिए और ऊंचे शिखर में ले जाने के लिए काम करें, तो हमने तो ध्यान दिया है नज़दीकी से कि पंडित अमर दयाल जो है कि काफ़ी मसीह समाज के लिए एक सहयोग और कर्मठ उम्मीदवार हैं और हम लोग सबके उम्मीद है कि हम लोग समाज के लिए काफ़ी भलाई के काम को करेंगे और हम लोग मसीह समाज पूरा तन मन से इनको हम लोग सपोर्ट करते हैं कि भारी मतों से विजय को प्राप्त करके हमारे राज्य हमारे देश की सेवा करें। सर आपका परिचय? हम लोग यहाँ पे जो किस उद्देश्य से आए, हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं इसी कारण से कि जो मसीह समाज में इस समय बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ मसीह समाज में क्या हमें एक ऐसा नेता की आवश्यकता है, ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो कि दुविधाओं को उस परिस्थितियों को ख़त्म कर सके। तो हम सभी अभी इसी कारण मिस्टर रूपलाल बिशप द हॉली चर्च ऑफ दया सागर की तरफ से हमें इधर परमेश्वर के दास ने निमंत्रण दिया था चाहिए तो सो हमारे मैन उद्देश्य क्या आपका है? मैन उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहते हैं सभी मसीह क्रिश्चियन समाज के देश के अंदर शांति पर, जैसे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा सबको प्यार किया, ऐसे जितने भी अधिकारी हैं एक दूसरे को प्यार करें, मोहब्बत करें, कोई भी किसी का नुकसान करने की कोशिश ना करें और कोई भी झगड़ेलू या खतरनाक अधिकारी देश के अंदर नहीं होना चाहिए।
आप अमरपाल शर्मा जी के ही यहाँ समर्थन देने क्यों आए और आपने किसी और को क्यों नहीं समर्थन दिया? ऐसे इनके अंदर क्या आपने देखा जो आप नहीं समर्थन? और हमने पिछले दिनों में देखा है कि ये जो विधायक साहब हैं ये अमानदार हैं और खुदामंद का भय मानते हैं, इसलिए हम इनकी सपोर्ट में इधर आए हैं, दुआ के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। तो आपने यहाँ कर दुआ करी इनके कामना करी के जिससे कि जीते? जी बिल्कुल की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.